नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें आज जो मैं डिस्कस करूंगा, मैं थोड़े से रूट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा सिंप्लीफिकेशन में, तो ध्यान देना। उसको करने से पहले आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। बचपन में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसा आपने पढ़ा था। अब आप एक चीज देखना, जैसे मैं लिखा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3, तो ये वैल्यू हो गई 4 प्लस 3 4 रूट 3 4 रूट 3, मतलब ये आया 7 प्लस 4 रूट 3 आया। और ये जो वैल्यू आई है वो 2 प्लस रूट 3 की आई है, तो ये स्क्वायर रूट में। अभी तक प्यारे दोस्तों जो भी हम सीखते थे तो इन जनरल इससे ये सीखते थे, अब यहां पर हमेशा स्क्वायर रूट में लिया जाएगा, इससे ये लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पेन कॉपी लेकर नोट करना होगा, पहले इसी को समझना होगा, उसके पश्चात ही क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ध्यान देना छोटी छोटी चीजों को, जैसे मैंने लिखा 7 प्लस 4 रूट 3 8 प्लस 4 रूट 3 और 13 प्लस 4 रूट 3, आशा है आपको अच्छा दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो वैल्यू बनी थी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बनी थी, और जो ये वैल्यू बनी थी वो 2ab से बनी थी। ध्यान देने वाली बात ये है। और प्यारे दोस्तों अगर ये रूट में है तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा a प्लस बी। एक बात याद रखना, जो हम करेंगे तो हम इसको सॉल्व करने में a को बड़ा रखेंगे b से, उससे क्या है कि कभी भी अगर माइनस का मैटर फंसेगा तो ए हम बड़ा लेके चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देना, अब स्ट्रेटजी समझना। सबसे पहला उद्देश्य इसको पकड़ना, क्योंकि हम जानते हैं ये वैल्यू 2ab की है, तो जो ab की वैल्यू आएगी, जो ये लिखा है इसका हाफ मतलब 2 इंटू रूट 3। फिर से समझो जो मैं कहना चाहता हूं, 4 रूट 3 बराबर 2ab, तो 2 से भाग दिया 2 आया रूट 3 ऐसे, और ये आया ab की वैल्यू। अब आप एक चीज को समझना, अब हमें 7 बनाना है। अगर मैंने इसको a लिया क्योंकि बड़ा यही और इसे b लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। अब एक बात ध्यान देना, क्या हम यहां बना सकते हैं? इससे नहीं बनेगा। उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि हम जीरो से सिखाते हैं, आप जो बच्चे नहीं जानते कि अगर a बाहर है अंडर रूट में होता है a स्क्वायर होता है, अंडर रूट में होता है a स्क्वायर। जैसे मैंने 3 लिखा है तो अंडर रूट में रूट 9 लिखा जाता है, उस वैल्यू का स्क्वायर। अब एक और बात समझो, ए लिखा है रूट बी, तो अंडर रूट में होगा ए स्क्वायर इंटू बी। सपोज 2 रूट 3 लिखा है तो ये 2 अंदर गया 4 और 4 ते आए 12। अब यहां हम देखेंगे इस स्ट्रेटजी को, जब हम यहां देखते हैं तो इसकी वैल्यू रूट में गई 12, क्यों? 2 का स्क्वायर 4, 4 ते आए 12। अब 12 को जो हम ब्रेक कर सकते हैं वो 12 इंटू 1 में कर सकते हैं, 6 इंटू 2 में कर सकते हैं रूट 2, और
फोर इंटू रूट थ्री में भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अब क्वेश्चन पहले मैंने बताया है कि जो a होगा वो बड़ा होगा। अगर मैं a और b यहां देखता तो चार तीन सात ऑलरेडी आ गया, रूट चार को हम दो बोलते हैं प्लस रूट थ्री। अब अगर हम ये वाला आठ बनाना चाहें तो किससे बनेगा, छह दो आठ, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे रूट सिक्स प्लस रूट टू। अगर हमें तेरह बनाना है तो दो वैल्यू a और b, तो ये तो मैं लेके चल ही रहा हूं आपके सामने, तो रूट बारह इंटू वन, तो बारह और एक तेरह, डायरेक्ट लिख सकते हो बारह और एक तेरह। बारह का मतलब टू रूट थ्री प्लस वन। आशा है ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, फिर भी हम रिपीट करेंगे क्योंकि देखिए बिना बेस के आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चंस आएंगे एक बार समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू में भी होता है, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो देखो दो का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, टू इंटू टू रूट थ्री, तो दो का स्क्वायर चार तीन फोर रूट थ्री, चार तीन सात फोर रूट थ्री, स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेवन प्लस फोर रूट थ्री रूट में है, रूट के अंदर एट प्लस फोर रूट थ्री और रूट के अंदर थर्टीन प्लस फोर रूट थ्री, तो यहां पर फोर रूट थ्री है, ये ध्यान देना फोर रूट थ्री जो कि टू ए बी है और हम ए बी लिख रहे हैं, तो इस वैल्यू का हाफ लिखा जाएगा टू इंटू रूट। अब ये वैल्यू अंदर जाएगी रूट बारह हो जाएगा, अच्छे समझ में आ गया, मैंने बता दिया बारह, तो बारह एकम बारह, छह दुनी बारह, चार त्याय बारह, यही केसेस बन सकते हैं। अब हमें सात लाना है तो सात किससे बनेगा, चार तीन सात, क्योंकि मैंने कहा ए बड़ा होना चाहिए, टू प्लस रूट थ्री। हमें आठ लाना है तो रूट सिक्स प्लस रूट टू से, और तेरह तो रूट बारह प्लस वन से। तो प्यारे दोस्तों आपको 100% ये चीज समझ में आ गई होगी। हम यहां पर इसी के बिहाफ में सात आठ दस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी और बेसिक की जरूरत है आपको, प्यारे दोस्तों जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे छह क्वेश्चंस लिखे हुए, पहले हम इन छह को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे, देन अपना सेशन स्टार्ट होगा। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना वरना कोई फायदा नहीं ये वीडियो देखने से। टेन रूट थ्री, तो ये टू ए बी हुआ करता है, मैंने कहा था इसका हाफ अगर हम ए बी लिखेंगे तो फाइव इंटू रूट थ्री लिखेंगे, फाइव इंटू रूट थ्री लिखेंगे। अब एक चीज देखो, हमें छिहत्तर चाहिए क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनता है, तो ए बराबर अगर पांच लिया, बी बराबर रूट थ्री, पांच का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस तीन अट्ठाईस, ये तो छिहत्तर है, तो ये यहां पर नहीं बना, तो डरो नहीं, इस वैल्यू को अंदर भेजो। तो अंदर जब जाता है कि पांच का स्क्वायर होगा पच्चीस, पच्चीस तिहाय पचहत्तर, और बुरा क्या एक, पचहत्तर एक छिहत्तर, ये हमारी नजर में ए हो गया और ये बी, छिहत्तर चाहिए था, डायरेक्ट आंसर 75 प्लस वन, और इसको अब लिख सकते हैं फाइव रूट थ्री प्लस वन। एक बार फिर से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन छह बार बता रहे हैं और बताएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारी नजर में क्या है टू ए बी, और ये हमारी नजर में ए स्क्वायर प्लस का क्या है बी स्क्वायर, तो ए बी चाहिए इस वैल्यू का आधा थ्री रूट टू, थ्री रूट टू। तो हम जानते हैं तीन का स्क्वायर नौ और रूट टू का स्क्वायर दो, तो तीन दो नौ दो ग्यारह, तो सीधे आंसर थ्री प्लस रूट टू। फिर से समझो, जैसे ये तो ये हमारी नजर में टू ए बी, तो ए बी जो आएगा वो आधा आएगा फोर इंटू रूट सिक्स, क्या इससे बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, तो ये अंदर गया, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह इंटू छह नाइनटी सिक्स और इंटू वन छियानवे और एक सत्तानवे। तो प्यारे देशवासियों
इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट के अंदर 96 प्लस 1 द वैल्यू इज इक्वल टू 4 रूट 6 प्लस 1। आशा है बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं इतने कलर का प्रयोग भी कर रहा हूं जिससे आपको 1% डाउट ना रहे। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो हमारी नजर में ये 2ab और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और रूट में तो ए प्लस बी का और स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए प्लस बी बनेगा। अब एक चीज देखिए, जो हम ए बी की वैल्यू लिखेंगे ए बी, तो 30 का आधा 15 रूट 3, तो 15 और रूट 3 से कभी 52 नहीं बने वाला, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, रूट 3 नहीं बना। अब हमने स्ट्रेटजी अपनाई, इसको ब्रेक किया 5 × 3 रूट 3, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 रूट 3 मतलब रूट के अंदर भेज देते तो रूट 27 होता और उसका स्क्वायर 27, तो इस बार बड़ा ये, तो इसको हम ए समझेंगे, इसे हम बी समझेंगे। तो वैल्यू लिखेंगे 3√3 + 5, 1% डाउट हो तो स्क्वायर करके चेक कर लो, इसका स्क्वायर 9 × 3 = 27, 5 का स्क्वायर 25, तो बड़ा ये है, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे फिर छोटे वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस के केस में फिर गलत हो जाएगा आपका सोल्यूशन, इसलिए। प्यारे देशवासियों, अब दो माइनस में आए, 80√3, तो ये 2ab था, इसका हाफ और ये इसका प्लस बी स्क्वायर, तो 80√3 का हाफ जो कि ab आएगा 40√3। अब 40 का स्क्वायर करो आप खुद ही समझ सकते हो, बहुत हो जाएगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे आंसर आ जाए? अब आपको 40 के फैक्टर ये क्या होंगे, 2 × 2 × 2 और 5√3, अब ये 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25 और 25 क्या है 75, 64 और 75 139, ये वैल्यू रूट के अंदर 64 हो जाएगी, ये वैल्यू रूट के अंदर 75 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 है 75 बड़ा, तो दोनों का सम 64 75, तो 5√3 पहले आएगा और माइनस का क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि हमें ए बी रखना होता है, तो ये हमारे ए हो गया, ये बी हो गया। दोस्तों जब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका हाफ ए बी जो कि 2 × √3 नहीं बना, 2 का स्क्वायर 4 × 4 = 12 कर दो, तो ये जो ब्रेक होगा √6 × √2 में, मैंने पहले बोला है बड़े वाले को आगे रखो, तो √6 − √2 इसका आंसर। आशा है ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बस कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर आज का अपना सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा और मैं मजबूर हूं। दोस्तों जब बात करते हैं इन दो क्वेश्चन की, अब आप इन क्वेश्चन को पहले अच्छे समझेंगे। देखिए सीधी सी बात है, ये पोर्शन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था और ये पोर्शन 2ab होता था, क्या यहां बन पा रहा है? पहले तो आप ये बताइए क्या बन पा रहा है? नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 2ab मतलब ये ए बेंच आई, हमने 2 का ऊपर × 76, 10√3/2, अब ये बन गया। अब एक चीज और देखो, ये जो पोर्शन है ये 2ab है, हमें ab चाहिए जो कि 5 × √3, 5 का स्क्वायर 25 × 3 = 28, है कभी नहीं बनेगा। इसके लिए हमने क्या किया, इसको अंदर भेजा, 5 × 3 = 5 × 25 = 75 और × 1 = 75 = 76, तो जो ये ऊपर वाली वैल्यू तो ये तो बाहर आ गई 7√75 + 1 और नीचे √2, और इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5√3 + 1/√2,
एक बार फिर से समझेंगे आप लोग, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं बेसिक से। जैसे यहां तो ये 2ab होना था, नहीं तो इसको डबल कर दो, 26 दूना 52 और 30√3/2। अब एक चीज देखो फिर से, ये जो वैल्यू है एज ए ट्रीड होगी 2a, तो ab इसका आधा, 30 का आधा 15√3, कभी 52 नहीं बनेगा, तो 5√3 बन गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, अगर आप रूट में लिखेंगे तो ये √25, 3 का स्क्वायर 9 होते हैं 27। तो आपको पहले बता रखा है बड़े भैया पहले आएंगे, छोटे भैया बाद में आएंगे, डिवाइड बाय रूट। एक चीज और ध्यान देना, जब हम लिखेंगे तो √27 की वैल्यू 3√3, 25 की वैल्यू 5/√2। आशा है आपको दोनों चीज में अंतर भी समझ में आ गया होगा, वहां ऑलरेडी इवन गिवन होता था, यहां पहले हम इवन बनाएंगे, बात का वही प्रोसेस है जो पहले के 6 क्वेश्चनों में आपने देखा। तो प्यारे दोस्तों, अब स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन, पहले तो इसकी स्ट्रैटेजी समझिएगा, देन आफ्टर आंसर को। स्ट्रैटेजी समझिए, मैं सभी को बता रहा हूं, अगर √a + √b दिख जाए और a बड़ा है b से, तो जो ये प्लस है ऊपर जाके माइनस कर दो, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो यहां लिख दो बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, मेरे शब्द सुने। अब इन सब चीजों को आप क्वेश्चन में देखो, बहुत स्मूथली मैं सॉल्व करता हूं। देखिए 12 मैंने ऐसे लिखा, नीचे प्लस लिखा है तो मैंने सीधे ऊपर लिख दिया माइनस, और 5 और 3 का अंतर है 2, हो गया। फिर से देखिए 18 ऐसे लिखा है, नीचे माइनस है तो ऊपर हमने प्लस कर दिया, और 5 3 का अंतर है 2, डायरेक्ट इस स्ट्रैटेजी को ही अपनाना है तो ही सक्सेस की ओर जाना है। मैं पहले भी सेशन में बता चुका हूं, अब यहां खूब बार बार बताऊंगा, 2 से ये गया 6 बार, 2 से ये गया 9 बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई 6√5, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूं पर नहीं लिखा हूं, 6√3, 9√5 और 9√3। अब स्ट्रैटेजी को समझिए, 6√5 9√5, तो ये वैल्यू हो गई 15√5 और इसका डिफरेंस 3√3। तो प्यारे दोस्तों, यहां से 3 कॉमन ले लो तो 5√5 + √3, इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शंस नंबर बी मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन आप करने के अधिकारी बन चुके हो। और अगर अब हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो ठोको लाइक और शेयर कर दो। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन, इसकी स्ट्रैटेजी को समझना, कहीं ना कहीं आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ये एक्स कह रहा है, मैंने भी रख दिया 2+√3/2 − √3, रिवर्स कह रहा है तो रिवर्स, तो ये वैल्यू ऊपर चली गई और ये वैल्यू क्या नीचे आ गई। अब एक चीज देखो, मैं यहां कुछ नहीं एलसीएम कुछ नहीं ले रहा, मैं अपना वही 2+√3 लिखा है, 2 का मतलब √4 होता है, तो ये वैल्यू ऊपर आई तो प्लस आ जाएगी, और √4 और √3 का अंतर 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो 2 − √3 ऐसे रहेगा,
ये प्लस का है तो ऊपर गया, 2 माइनस रूट 3 हो गया, और 4 में से 3 गया 1, तो आप समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बन रहा है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, 3, 4 रूट 3, सेम एज दिस, 4, 3, 4 रूट 3, इससे ये कैंसिल हुआ, और जब ये कैंसिल हुआ तो 7 दूनी 14, तो इसका आंसर 14 आ गया, जो कि आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से भी सीखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको बोर्ड पे अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। और सीधी सी बात है, कॉपी पेन के बिना मत देखो, यह है एक तरीके से एडवांस मैथमेटिक्स। तो भाई कॉपी पेन तो लेना ही पड़ेगा ना, ध्यान देना स्ट्रेटजी को। देखिए बचपन में हम जानते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a इसका ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये चीज आप समझ गए। अगर मैं इनको जोड़ू तो एक रिजल्ट बनता है जिसको याद करना है, जब जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2a स्क्वायर प्लस का क्या हो गया b स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से आया। सेम स्ट्रैटेजी फिर से समझो, 1 और 2 को घटाने से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab आया। इससे पहले के पार्ट आपने देखे होंगे तो ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अब और समझेंगे इसमें, अब और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान देना। हमारी स्ट्रैटेजी, हाँ एक छोटी सी बात को और समझो, जैसे कहीं लिखा है रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और रूट 6 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, पहले दो ऐसे लिखेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, बस 9 दूनी 18 आंसर। तो आशा है ये चीज आप समझ गए हैं, और अब जानेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, सेकेंड स्ट्रैटेजी। कुछ नहीं है, आपको जानना ही पड़ेगा, यहां रखा तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये रिवर्स हो गया। अब देखा जाए जो ये 2 प्लस रूट 3 मेरी नजर में तो ये है ना रूट 4 प्लस रूट 3, अंतर एक होता है। अच्छा एलसीएम, तो ये वैल्यू यहां आई 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू यहां आई 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इनका अंतर एक आएगा तो नीचे एक, और इसकी स्ट्रैटेजी अभी बताइए कि 2 लिखो, जो वैल्यू लिखा है 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 दूनी 14, तो आंसर आएगा 14। आशा है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। एक बात याद रखना, किसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने शुरुआत में बेसिक बताया था,
तो आप करोगे क्या, सबसे पहले ये मतलब रूट टू एक्स अंदर गया दो का इंटू चार और टू रूट थ्री ये आया। फिर हमने स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि ये टू ए बी होता है तो जो ए बी आएगा वो जस्ट हाफ जो कि रूट थ्री इंटू वन, तो इसकी वैल्यू रूट थ्री प्लस का वन आ गया डायरेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, रख दो रूट थ्री प्लस वन सेम एज इट इज रूट थ्री प्लस वन। रूट थ्री प्लस वन ये वैल्यू ऊपर गई तो रूट थ्री माइनस वन, बट अंतर क्या है दो का, क्योंकि तीन और एक का अंतर दो होता है। अब क्योंकि मैं पहले जानता था ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए सब सिखा रहा था, तो ये टू रूट थ्री एलसीएम में टू आया, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू आया। तो प्यारे दोस्तों ध्यान देना, अब ये और ये जुड़ जाएगा थ्री रूट थ्री, दो में से एक गया एक अपॉन टू, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सी आएगा। अगर आपने इसको ऐसे नहीं सीखा तो फिर कष्ट होने वाला है, और एक बात याद रखना कॉपी पेन तो लेकर बैठना ही पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, क्या अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज्यादा, एक एक इसी में जोड़ दो 102, और एक का स्क्वायर 01 लिखेंगे, एक का स्क्वायर 01, दो का स्क्वायर 04, तीन का स्क्वायर 09, चार का 16, क्योंकि लास्ट में दो डिजिट मेंटेन करेंगे। कोई मुझसे कहता है सर 104 का स्क्वायर नहीं, तो भैया कितना ज्यादा, चार ज्यादा, चार जोड़ा 108 और चार का स्क्वायर 16, ऐसे ही क्वेश्चन में 108 का स्क्वायर लिखा हो तो भैया 100 से 8 ज्यादा जोड़ा तो 116, 8 का स्क्वायर 64। ये एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है इसलिए उसे 108 का स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, अगर ना दी गई होती उसके लिए बताया है। तो ध्यान देना यहां पर पहले इसकी वैल्यू 108 ऐसे लिख दो और इसकी वैल्यू 108 ऐसे लिख दो। अब स्ट्रेटजी को समझना, देखिए ये पॉइंट में तो पेयर बनाया जाता है वन टू, दो पेयर मतलब दो वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दो, यहां से एक पेयर आया एक वैल्यू बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, और बीच में आप सिंबल देख ही रहे होंगे प्लस का है जोड़ दो, और उसके बाद अब क्या करना है एड करना, तो भाई 11.88, तो आंसर इज दैट सी। आई होप आपको 100% समझ में आया होगा। मैं हूं प्रकाश अवस्थी कानपुर प्लस लखनऊ वाला, क्योंकि मैं प्रेजेंट में पैरामाउंट कानपुर और लखनऊ दोनों में पढ़ाता हूं। जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन, तो अब ये हमारे लिए कोई बड़ा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, n बराबर दिस वन वन बाई एन बोला मतलब रिवर्स कर दो। उसके बाद आपको मैंने प्रकाश कला बताई है, आप उस स्ट्रेटजी को अपनाइए, कॉन्जुगेट वाला सिस्टम होता है। क्या मैंने बताया कि ये तो ऐसे लिख दो, अगर ये प्लस है तो ऊपर आया क्या माइनस, और आठ पांच का अंतर है क्या तीन, ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर a माइनस बी, रूट आठ का होल मतलब स्क्वायर आठ होता है, पांच का पांच होता है, टू इंटू आठ इंटू पांच चालीस बटा कितना तीन। अब आंसर की ओर दृष्टि मारते हैं तो मुझे लग रहा है सी है, आठ पांच तेरह टू रूट फोर्टी अपॉन थ्री। आई होप आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब।
दोस्तों जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो प्यारे दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, बहुत अच्छे से। देखिए कहीं ना कहीं रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसा दिया गया है। अब अपनी स्ट्रेटजी को पहचानो। यहां मैंने लिखा है यदि दी गई श्रृंखला इस प्रकार, मतलब ऊपर एक फॉर्मूला बना दिया है मैंने, और अगर ये तैयार है तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। बट अभी आप देख रहे हो कि यहां श्रृंखला ऐसे स्टार्ट हुई है, पर जो ये दी गई है वो यहां से दी गई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। देखिए हम इसी पे बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो कमी है वो 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये कमी है, ये हमने जोड़ा। तो जो जोड़ते हैं वही तो घटाते हैं। अब आप एक चीज देखिए, इतना करने से हमें इस पूरे की वैल्यू को निकालने के लिए, ये हमारे लिए एन हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बटा 5। अब बात आए इसकी, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा 4, 4 दुनिया 8 एक 9, 9 बटा 4 तो बाहर आएगा 3 बटा 2, क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट में। दोस्तों ध्यान देना, ये वैल्यू हो जाएगी 24 बटा 5 और ये 3 बटा 2। एलसीएम ले लो, 10 आया, 24 दुना 48, 5 त्याय 15, 48 में से 15 गया 33, 33 बटा 10 है, तो इसका आंसर 33/10 आएगा। कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड वर्जन हो। 1998 जब आप इसको देख रहे हो सन भी दिख रहा होगा, अभी मैंने एडिटिंग नहीं की है, जब हो जाएगा तो वो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा यहां पर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं हूं प्रकाश सोस्ती, कानपुर और लखनऊ वाला। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को तो हम वाया ऑप्शन भी कर सकते हैं, कैश जी रख दो, ये रूट 12 आया, जी रख दो तो रूट 12 आया, और प्लस में माइनस का रूट 12, कभी ये नहीं बन सकता, पहला गलत। वन रखो, 12 7 19 हो गया, 12 7 में से 12 गया, इमेजिनरी है, ये भी नहीं बन सकता। आप देखा 3 अंक 7 21 21 12 33 और 21 में से 12 गया 9, रूट 9 का मतलब ही 3 होता है, तो आंसर क्या आएगा, सी। ये बात तो आप समझ गए होंगे। देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सिखा दिया है, फिर भी हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि हमें बनाना है आपको एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट तभी बनोगे जब सीखोगे। तो आप क्या करो, रूट 7x + 12 and 7x - 12 = 3 + √33, राइट। अब दोस्तों देखा जाए ये होल स्क्वायर होगा, क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद ये 7x + 12 और 7x - 12 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 7x - 12 दोनों का सेपरेट का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 33 और 6√33, ऐसी चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है। मामूली क्वेश्चन नहीं है, हमें सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब एक चीज और देखो, 12 से 12 गया, ये हो गया 14x,
49 एक्स स्क्वायर माइनस 144 और 33 9 42 6√33। अब एक चीज देखो, अगर मैं फिर से भी कुछ करूंगा दोस्त तो ये और बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वाया ऑप्शन सी सॉल्व होगा। यहां आप तीन ही लोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर से आप पैटर्न बनाओगे तो नहीं हो जाएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी क्वेश्चन अच्छा था, वाया ऑप्शन सॉल्व होगा, तीन आंसर है, फिर भी हम ऐसा करते हैं कंपैरिजन कर देते हैं इसका कंपैरिजन इससे, तो कहीं ना कहीं x बराबर 3 आ गया। अब बात आई इसका कंपैरिजन इससे, तो ये भी मैं करके दिखाता हूं। 2 से भाग दिया उधर तो √49 x² − 144 बराबर 3√33। अब x बराबर 3 लगकर आपको चेक करना पड़ेगा तो आएगा यही, इसका मतलब आंसर आएगा 3। जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कुछ नहीं है, आप वो काफी देर से सीख चुके हो, क्या करना है n रख दो ऐसे √6 − √5 / √6 + √5, फिर रिवर्स √6 + √5 / √6 − √5। ऐसा करने के पश्चात आपने एलसीएम लिया तो ये बन गया √6 − √5 2 और बगल में बन गया √6 + √5 2। नीचे देखा जाए तो √6 + √5 और √6 − √5, इसका अंतर 1, अंतर 1 मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोस्तों पहले ही आपको मैं सिखा चुका हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a² + b² बोलो हां सिखाया है, तो यहां 2 रखो, इस वैल्यू का स्क्वायर 6 और इस वैल्यू का स्क्वायर 5, तो 11 × 2 = 22, तो इसका आंसर आएगा 22। आई होप आपको तुरंत युद्ध स्तर में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसको भी आप समझिएगा, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। एन √8 + √6 / √8 − √6, √8 + √6 / √8 − √6 यहां रखा तो ये रिवर्स हो गया √8 − √6 / √8 + √6। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको संघ, इसमें लेना होगा आपको एलसीएम, एलसीएम लिया तो √8 + √6 2 और ये √8 − √6 2। नीचे इसका अंतर 2 है तो 2 नीचे लिख देंगे, पहले भी सिखा चुका हूं और अभी बता दिया। एक बात ध्यान देना, मैंने पहले बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि 4ab होता है। अब आप इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखो, तो 4 ऐसे लिखेंगे, a जो कि √8 है, b √6 है और अपॉन में 2 आया। अब बात आती है आंसर की, 2 से ये 2 बार भी गया, सर आंसर तो समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। 2 ऐसे लिखो और ये 48 हो जाएगा, 48 का मतलब 16 × 3 = 48, 4 बाहर आएगा √8 √3, तो इसका आंसर आएगा a। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओ, चलते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर का सरलतम मान क्या होगा, समझेंगे कैसे सॉल्व करें।
अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां रूट 17 है कि कुछ और है, और 17 नहीं 27 है, ऐसा मैं कैसे जाना, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा। तो अब इसे ट्राई किया जाए, स्ट्रेटजी समझ लो। तीन ऐसे रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 20, 2 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन, मैं एक लाइन भले एक्स्ट्रा कर दूं पर आपको समझ में आएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 3, 9 × 45, 3 का स्क्वायर इंटू 5। जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात अब क्या है, सब यहां से 2 बाहर आएगा तो 6√2 हो जाएगा, यहां से 2 बाहर आया 4√3 हो जाएगा, और यहां से 2 बाहर आएगा 2√5 हो जाएगा। सेम अब हम यहां जानेंगे, 3 बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा 9√2, 3 6√3, 3√5। देखा जाए ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 3, अब ये बन रहा है √2 − √3 + √5, और नीचे बन गया √3, ये आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो 3√2 √3 + √5। दोस्तों ये और ये कट गए, आंसर आएगा 2/3, आंसर आएगा 2/3। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम बात करें इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की, स्ट्रेटजी को समझना सब जान जाओगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। दोस्तों अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो वहां पर शेयर मारेंगे, यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पर भी शेयर मारेंगे। यहां प्लस है तो ऊपर गया √5 − √2, और इसका अंतर 3, तो नीचे लिख दो। सेम चीज प्लस है तो ऊपर गया और अंतर 1, ऐसे लिख दो। अब छोटी छोटी चीजों को जानो जो मैं सिखाता हूं, 3 से 3 गया, इसका इसमें इंटू √15 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, √6 लिख दो, ये माइनस का √15 −√10 और √5 + √3 ऑलरेडी बाहर। अब हम यहां एक चीज देखते हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाता है, अब इस वैल्यू का इसमें इंटू, तो 6 × 5 = 30 −30, फिर +50, छत्रिक 18, और ये हो गया 30, 18 और 30। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। दोस्तों ऐसे करने से हमने देखा इससे ये कैंसिल, और कहीं ना कहीं ये आ रहा है जो कि 5√2 हो गया, और ये हो गया 3√2, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और 5 में से 3 गया 2√2, आंसर क्या आएगा, ए 2√2। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे,
और जब आ गए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके ये बताइए कैसा लगा हमारा आज का सेशन। धन्यवाद। मैं हूं प्रकाश दोस्ती कानपुर वाला।